बिहार में उपचुनाव हुआ कुढ़नी में, कुढ़नी उपचुनाव में जो महागठबंधन है आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और सीपीआईएम, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिसका गठबंधन था। एक तरफ बीजेपी थी जो चिराग पासवान के साथ में लेके चल रही थी, और स्थिति आप ये कह सकते हैं कि कुढ़नी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीत लिया है, और जो महागठबंधन है वो चुनाव जो है उसके प्रत्याशी वहां से मनोज कुशवाहा वो 73,008 वोट ला के वो चुनाव हार चुके हैं। विपक्ष बीजेपी के जो वहां पे से प्रत्याशी थे केदार गुप्ता, जिन्होंने 76,635 वोट को लाया है, वो चुनाव बीजेपी ने जीत लिया और अकेले अपने दम पर बीजेपी ने वहां पे परचम लड़ाया है। बड़े बड़े नेताओं का बयान आना शुरू हो चुका है, कोई तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफा मांग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। शराबबंदी बताया जा रहा है कि एक मुख्य कारण था, हालांकि बीजेपी इस जीत पर क्या कहता है काफी खुश है, पार्टी कार्यालय में भी जश्न मन रहा है। जो बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी, उन्होंने नीतीश कुमार को भी आईना दिखाने का काम किया है कि अब नीतीश जी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, आपसे बिहार नहीं चल रहा है। इन सब चीजों के बीच में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुढ़नी उपचुनाव जो है आप आने वाले समय में अगर महागठबंधन सचेत नहीं होता है, अगर महागठबंधन के नेता अगर जनता के हित में नहीं सोचती है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का रिजल्ट सब जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि कुढ़नी उपचुनाव कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर यह चुनाव को जीती है। बड़े बड़े नेता जो है इस उपचुनाव में वहां पे भाग लिए थे, रोड प्रचार प्रचार का काम चल रहा था, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब आज रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं उन्होंने भारी भरकम वोट से चुनाव को जीत लिया है। लगभग बताया जा रहा है कि 3,000 से जो है ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव को जीता है। और बिहार में जो राजनीतिक गलियारों में जो अब कह सकते हैं कि जो बयानबाजी है वो तीखा हो चुका है, हालांकि जदयू जो है वो बोल रही है कि मैंने कम वोटों के अंतर से चुनाव को हारा है, लेकिन जरा देखिए संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी जो नेता हैं कुढ़नी उपचुनाव में जिस तरह से यहां बिहार की जो सियासत है वो तेज चल रही है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं को अब इस पर सोचना होगा कि आखिर जो वोट बैंक है वो कहां खिसक गया, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक जदयू में शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। ये अब देखने वाली बात होगी। जरा आपको हम यहां दिखाते चलते हैं और बताते चल रहे हैं कि कुढ़नी का जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता ने जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज कुशवाहा से ये चुनाव को जीत लिया है, और बीजेपी पूरे बिहार में आप कह सकते हैं कि जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कुढ़नी के जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने जितना मेहनत किया, जितना प्रयास किया, उसी का यह नतीजा है कि कुढ़नी में 7 दलों के महागठबंधन और एक दल जो कि नीतीश कुमार की गुलामी में हमारे वोट काटने में लगा हुआ था, 8 दलों को पराजित करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किया है उसके साथ पूरे बिहार की जनता खड़ी है, और महागठबंधन के जितने ढकोसले और झूठ थे और नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला हो गया है, शराब व्यवसायियों का एक पैरेलल नेटवर्क है जिसको पूरे तौर पर नीतीश कुमार जी प्रायोजित करते हैं, उन सभी उम्मीदवारों की और मुजफ्फरपुर में पल रहे माफिया जिसको नीतीश कुमार जी गोद में लेकर चलते हैं उन सभी की यह पराजय है। के उम्मीदवार को 73,008 मत प्राप्त हुआ, 3,645 मत से हम लोग चुनाव जीते हैं। क्या कहेंगे, काफी देर तक कभी आगे पीछे चल रहा था अंदर, बड़ी हम लोग शुरू से ही आगे चल रहे थे, बीच में कुछ पलों के लिए हम लोग पीछे हुए हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग का बढ़त बना उसके बाद बढ़त बनते रह गया और अंततः हम लोग चुनाव जीत गए। बीच में थोड़े देर के लिए मशक्कत हुआ है, नहीं तो लगातार हम लोग वीडियो वायरल हो रहा था उसमें।